गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम धर्मिष्ठा एंड आज मैं आपके साथ ये नाइका हॉल शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ख़त्म हो रखी थी और ऑर्डर नहीं कर पा रहे थे। सो मैंने अभी वो ऑर्डर भी किया है और मेरे पास रिसीव भी हो गया है। सो या मेकअप का ऑलमोस्ट मैंने एक पार्ट बना के मैंने अपलोड कर दिया है। सो मेक श्योर कि आपने वो भी ज़रूर देख लिया है। और ये सेकेंड पार्ट है जो है स्किन केयर प्रोडक्ट्स का। सो या चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस सबसे पहले जो मैंने ऑर्डर किया था वो था फेस वॉश, और वो है ये इथी ग्लो का फेस वॉश। गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा है और डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है। कुछ स्क्रब फॉर्म में आपको ये मिलेगा, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ ना ऐसा कुछ आपको थोड़ा सा यू नो स्क्रब और क्रीमी फॉर्म में ही ये मिलेगा। और बहुत गाइस मुझे इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा मिलता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और गाइस जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो इस हॉल में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और वो है ये सेटाफिल का क्लेंजर। और ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत टाइम से इसे यूज़ भी कर रही हूँ। ये डर्मोलॉजिकल टेस्टेड है, स्किन को बहुत ही अच्छा सा एक टेक्स्चर देता है और बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेशन मिलती है। सो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन या ड्राई स्किन या कोई भी स्किन हो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो या थर्ड प्रोडक्ट जो है वो है सनस्क्रीन, और आई नीड सनस्क्रीन क्योंकि मैं घर में भी सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। और आप भी ज़रूर अप्लाई कीजिए, सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा स्किन के लिए ज़रूरी है। तो ये है मामा अर्थ का सनस्क्रीन लोशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, रिव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये मैंने दूसरी ट्यूब ऑर्डर की है। तो ये है SPF 50, और कोई भी सनस्क्रीन हो गाइस वो 4 से 5 घंटे ही एक्टिव रहता है स्किन पे, मतलब इसका जो वर्क रहता है वो 4 to 5 आवर्स ही रहता है। सो गाइस मेक श्योर कि आप कोई भी सनस्क्रीन लगा रहे हो तो 4 से 5 घंटे के बाद इसे आप दोबारा ज़रूर अप्लाई करें, अगर स्पेशली आप जब बाहर घूम रहे होते हो। सो या नेक्स्ट जो है वो भी है मामा अर्थ, और ये है डार्क सर्कल्स क्रीम। ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो मैंने इसे रीपर्चेज किया है, और ये कुछ पंप फॉर्म में है और कुछ इस तरीके से ये क्रीम में मिलेगी आपको। जो नेक्स्ट है वो है हेयर के लिए, और हेयर के लिए जो प्रोडक्ट्स है वो है शैम्पू, और ये लॉरियल का शैम्पू है। कुछ इस तरीके से बॉटल में रिसीव होता है, और ये है लिपिडियम एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू लॉरियल पेरिस और प्रोफेशनल शैम्पूज। ये है, इसकी प्राइस है 635। इसमें डिस्काउंट रेयरली कभी मिल जाता है नाइका पे। ये नाइका की प्रोडक्ट, और ये है नाइका ऑयल, स्पीच ऑयल है ये, और इसकी प्राइस है आई गेस 350 रुपीज़, और काफ़ी अफोर्डेबल है। वो कुछ इस तरीके से बॉटल में दिखता है गाइस, और लगाने के बाद भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा लगा, मेरी स्किन पे सूट हो रहा है था। ये मेरे लेंसेज के लिए, ये एक्वा का लिक्विड है, कुछ इस तरीके से ये प्लास्टिक बॉटल में है, और इसके अंदर दो बॉटल है गाइस। और इसमें आपको ये एक डिब्बी भी मिल जाती है लेंस रखने के लिए। ओके गाइस, सो आई गेस इसकी प्राइस है 450, और मुझे ये पड़ा था 420 में। सो मुझे इसकी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके बाद जो है वो है लॉरियल का मास्क, आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके सी है। इसमें गाइस सब कुछ मेंशन किया हुआ है, हाउ टू अप्लाई इस इंग्रेडिएंट, और आप लगाने के बाद जो इफ़ेक्ट मिलता है आपको वो भी इसमें मेंशन किया गया है। ये पैराकॉन फ्री है। सो आई रियली गुड प्रोडक्ट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है गाइस, 700 या उसके अराउंड उस ये मिल जाएगा आपको। इसमें ना ये 3 आते हैं, जो है ब्लैक वो चारकोल का है, ग्रीन है, और ग्रीन जो है वो गाइस ऑयली स्किन के लिए है, और ये है नॉर्मल स्किन के लिए। सो या इसमें ना 3 आपको फ्लेवर मिल जाएगी। तो गाइज़ इसका ना मैंने एक रिव्यू भी डिटेल में दिया है मेरी चैनल पे, सो आप मेक श्योर प्लीज़ उसे भी चेकआउट कर ले, ताकि आपको जो यूज़ करना है आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा या आपको क्या इसमें बेनिफिट्स होगा वो सब उसमें ना मैंने मेंशन किया हुआ है। सो या ये थोड़ी सी ना हैवी बॉटल है, क्योंकि ग्लास की ये जार बॉटल जैसी है। तो उसके बाद मैंने ऑर्डर किया है ये लॉरियल रिवाइटल लिफ्ट माइक्रो एसेंस। ये आउटर पैकेजिंग है गाइस, और ये बड़ी साइज़ में है, फुल साइज़ में जो आता है वो, और इसकी प्राइस है गाइस 1400। और ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही गाइस मुझे अच्छा लगता है,
इसका ना गाइज मैंने रिव्यू दिया था बहुत टाइम पहले जब ये नया नया लॉन्च हुआ था, और इतनी सी बॉटल गाइज मैंने ऑर्डर की थी वो थी 250 की। मैंने वो ट्राई के लिए ही ऑर्डर की थी, इससे तो मुझे पसंद आया तो मैंने इसमें बड़ी ऑर्डर की है। सो या कुछ इस तरीके से है और ग्लास बॉटल में है, यहाँ पे ऐसा सिल्वर कैप दिया गया है और गाइज कुछ इस तरीके से ये बॉटल है। आई लव दिस प्रोडक्ट एंड गाइज स्मेल, आई रियली लव दिस स्मेल ऑल्सो। दो तीन ब्रांड्स ऐसे हैं गाइस जो मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, सो एक है लॉरियल, मैबलिन है, शुगर है। आई रियली ऑब्सेस्ड विथ दिस ब्रांड और उसकी प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी आ रही है गाइस। सो या एंड अब है हमारे पास लास्ट थिंग और वो है ये एलोवेरा पतंजलि जेल, और ये गाइस मेरी हर एक हॉल में रहता है और मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं स्किन पे भी यूज़ करती हूँ और मैं हेयर पे भी इसे यूज़ करती हूँ। अगर आप मेकअप में बिगनर हो और आपके पास प्राइमर नहीं है, आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो अभी, सो कोई भी बात नहीं है गाइस, आप ये एलोवेरा जेल एज ए प्राइमर यूज़ कर सकते हो और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ऑलमोस्ट सबको ही ये पसंद है। सो या यहाँ पे ही खत्म होता है हमारा स्किन केयर प्रोडक्ट्स। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इसमें से क्या क्या पसंद है, कौन सी ब्रांड पसंद है और कौन सी स्किन केयर की प्रोडक्ट आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। एंड गाइज थैंक यू गाइज जो अभी तक मेरे वीडियोस देखते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।